थोड़े से तेल और कटहल से ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसको आप एक बार बना लेंगे तो बस पूरे सीजन आप इसी तरह से कटहल का नाश्ता बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो इसके लिए मैं 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ली हूँ। आलू को पहले हमें ग्रेट कर लेना है। आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच सादा नमक और आधा चम्मच काला नमक। दोनों नमक मिलाकर जो आपका स्वाद है उतना ले लीजिए। आधा छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर। आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो गार्लिक को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। 1 प्याज बारीक कटा हुआ, मीडियम साइज का प्याज है। धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और लगभग 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। तो 3 पीस ब्रेड को मैं छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सी जार में डाल ली हूँ और उसके बाद ब्रेड क्रम्स इस तरह से तैयार कर ली हूँ। नाश्ते को कंबाइंड करने के लिए हम आलू डाले हैं और कुरकुरा करने के लिए ब्रेड डाले हैं। और अब हमें इसमें डालना है कटहल। तो कच्चे कटहल को बॉयल कर ली हूँ और उसके बाद जब अच्छे से बॉयल हो गया है तो हाथ से मैश कर ली हूँ। इसको ग्राइंड नहीं करना है मिक्सी जार में डालकर, इसको पीसना नहीं है, बस इसी तरह से हमें उबालने के बाद मैश कर लेना है जिससे कि इसका ये लच्छा दिखता रहे। इस तरह से ये नाश्ता बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। अब इन सारी चीजों को बढ़िया मसलते हुए डो तैयार कर लेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और जिस साइज का आपको नाश्ता बनाना है उतना डो इसमें से ले लीजिए। इस तरह से इसको पहले प्रेस कर लीजिए और फिर इसको लंबा कर लीजिए। तो आप इसे अपनी पसंद अनुसार बना सकते हैं, चाहे तो गोल में भी बना सकते हैं या फिर टिक्की का शेप दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना लीजिए। तो मैं इस तरह से सिलेंडर के शेप में बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारा नाश्ता बनाकर तैयार करके रख लेंगे। तो इसके लिए गैस पर हम एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है और इसको डीप फ्राई भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी डीप फ्राई करने से ये तेल में बिखर जाता है। तो एक एक करके हम ये नाश्ता डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हमें पकाना है। इस तरह से उलटते पुलटते बढ़िया से कलर आने तक, क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। तो लीजिए, हमारा बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत बहुत ज्यादा आसान कटहल का ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसको आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार भी आप बनाएंगे ना तो बस यही फरमाइश होगी, पूरे सीजन इसी तरह से नाश्ता बनाओ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।